अब इससे पहले कि सस्पेंस थोड़ा और बढ़ जाए आप इस वीडियो का इंट्रो देख लीजिए। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज का डे टू है पचमढ़ी के अंदर। आज हम जाने वाले चौरागढ़। इट्स अराउंड 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर, 10-15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम। की शुरुआत और एक्सीडेंट काय चालू है यार। तो भाई पचमढ़ी वाले डे टू का शुरुआत आपने देख लिया। गनीमत रही, किसी को कुछ नहीं हुआ सिवाय वो नए नवेली गाड़ी के, और आपका भाई बाल बाल बचा। सच कहूँ तो डर गया था, तो थोड़ा रुका, चाय वाय पी ली और फिर निकल पड़ा चौरागढ़ के लिए। अब थोड़ा म्यूजिक बढ़ाता हूँ और आपको फास्ट फॉरवर्ड में पचमढ़ी के रास्ते दिखाता हूँ। आणि काढायचं कोणी प्रयत्न नाही केला रे? नाही, त्यातलं एक एक सामान काढून नेलं। आज की इस वीडियो में हम आ रहे हैं बड़ा महादेव, तो बड़ा महादेव के दर्शन करके विल गो फॉर चौरागढ़। तो या लेट्स सी व्हाट इट हैज फॉर अस। तो भाई ये कुछ है जगह। तो वी आर एट बड़ा महादेव। यहाँ पे ये त्रिशूल्स वगैरह है, और जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे वी गेट टू सी होल थिंग इज डार्कर। और यहाँ पे पूरा पानी है विच इज कुंड, और ये कुछ जगह यहाँ पे अभी भी पानी ऊपर से निछा हो रहा है। जय भोले। चलो अपने दर्शन तो हो गए भोले के साथ, अभी चलते हैं आगे और हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और रास्तों के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। We just started। और अभी क्या हुआ ना, हम लोग ये रास्ते से आ रहे थे और यहाँ पे कुछ नंदी खड़े हैं, तो एक नंदी ने जो उनको लेके आया था उसको उठा के पटक दिया, उसका मुंह फूट गया और हम फटते फटते रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते से आए। और यहाँ पे आने के बाद वी थॉट ऑफ हैविंग फूड, 10 वाले मैगी 50 रुपये में बेच रहे, सो इट्स बेटर कि आगे देखते कुछ। अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे आने से पहले कुछ खा के आओ। हमने वो एक पागल बना किया कि हम लोग सिर्फ चाय पी के निकले। नाउ वी आर एट सेकेंड चेक पॉइंट विच इज गुप्त महादेव। तो गुप्त महादेव ये भी एक केव ही है जिसका रास्ता बहुत ही ज्यादा नैरो है। यार यहाँ पे जाने के लिए बहुत अंदर आना पड़ता।
तो आप अगर थोड़े हेल्दी हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी हम तो दर्शन लेके निकल आए। तो ये था गुप्त महादेव और इसका हिस्ट्री ये है, जब भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि वो किसी को भी भस्म कर सकता है हाथ सर पे ऊपर रख के, तो उस टाइम पे उसने सोचा कि भगवान शिव को ही भस्म करेगा, इसीलिए भगवान शिव यहाँ पे आके इस गुफा के अंदर गुप्त तरीके से छुपे हुए थे, ये उन बाबा जी ने बताया हमको। बाकी का इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो जो ऊपर में मेन बाबा है वो बताएंगे। ये फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग ड्यूरिंग दिस थिंग, और ये आजू बाजू का पूरा सीन चल रहा है यहाँ पे। दिस इज द डायरेक्शन वी केम फ्रॉम, और यहाँ से नदी आ रहा है जो हमने बड़ा महादेव पे देखा था, और बाकी पूरा जंगल। तो ये पॉइंट तक मार्ग है भक्त, आप अपनी बाइक या फिर कार से लेके आ सकते हो, बट स्टिल हमने बड़ा महादेव से शुरू किया। इसका रास्ता कोई अलग है जो इवन आई डोंट नो। चौरागढ़ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, थोड़ी देर बाद चौरागढ़ एक्चुअल में शुरू होने वाला है। कैन यू हियर दैट? ठीक है, लुक एट दैट पहाड़, नहीं दिख रहा कैमरे में। और यहाँ से शुरू होता है अपना चौरागढ़ वाला ट्रैक। चौरागढ़ शिव शंभु, मैंने तो घंटी बजा दी है, आप भी घंटी बजा के चलो मेरे साथ। जैसा कि आपने देखा मैं वहाँ से शुरू किया और नॉर्मल रास्ता ये है, बट वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, क्योंकि सीढ़ियों से चलते हैं तो पैर बहुत दर्द करते हैं, ऐसे चलते हैं तो इट्स काइंड ऑफ मैनेजेबल। तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो आप भी सोच सकते हो सीढ़ी से जाना है या फिर ऐसे जाना है, इट्स अप टू यू। ऑन एंड ऑन ये पूरा राजगढ़ वाला हिसाब था, हिसाब है, और आगे पता नहीं कहाँ से मैं आया, बट आई जस्ट केम फ्रॉम हियर। और अभी ये सब लोग यहाँ पे स्टॉप लेते होंगे क्योंकि मुझे दो तीन लोग भी दिख रहे हैं ऊपर। लेट्स सी क्या है, यहाँ पे अपनी टीम आके बैठी है, बाकी खाना खाने रुके लोग। दिस इज़ वन ऑफ द गुफा जहाँ पे मानना है आप अगर ऐसे पत्थर रखते हो, इफ़ यू सी देयर आर प्लेंटी ऑफ इट, एंड कोई विश मांगते हो तो वो विश पूरी होती है। तो आप अगर इसमें बिलीव करते हो तो आप आके यहाँ पे पत्थर एक के ऊपर स्टैक करके रख सकते हो और आपकी भी विश पूरी हो जाएगी। मैंने एक पत्थर छोटा सा रखा हुआ, दैट्स इट। सो नाउ वी आर पासिंग बाय सम रियली ब्यूटीफुल वैलीज, वी विल शो यू इन कपल ऑफ मिनट्स। इन दी रोड्स प्रीटी वाइड, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स प्रॉपरली फेंस्ड, सो बहुत कम चांसेस है कि कोई एक्सीडेंट हो सके। बाकी ये जो अपने प्रेमी उन लोगों ने बस ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नाम नहीं लिखना चाहिए। सो दिस वॉज द वैली, वहाँ पे भी एक पर्वत है और यहाँ पे पूरा खाई है। तो बात यूँ है कि हमारे पास एक लंबे से रास्ता है, बट नहीं ना, हमें तो जल्दी जाना है। सो जल्दी के चक्कर में वी आर टेकिंग दिस सीडीज। ऑल एंड ऑल भी वीडियो कर देशन का तू वीडियो कर देशन, ये पूरा चढ़ के अपन ऊपर आए। तो हम लोग रुके सुरेश, और ये पूरा व्यू पॉइंट है यहाँ से, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट एज इन यहाँ से अभी मंदिर आप पूरा
देख सकते हो. कैन यू सी दैट मंदिर. तो वहां तक ही जाना है, अभी ज्यादा नहीं बचा है, चलते हैं फटाफट फटाफट से. तो वी ऑलरेडी क्रॉस थ्री गर्ड्स. अभी तो नहीं दिखेगा बट लेट मी ट्राई. सो समवेयर देयर वी स्टार्टेड. एक दो, ये तीसरा और अभी चौथा गढ़ हो जाएगा. अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुका था जस्ट टू मेक अ टाइम लैप्स फॉर यू. तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक सीन चल रहा है तो उसका मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर दिया. अभी निकलते ऊपर के लिए, मंदिर पास में ही है अभी. खैर ये टाइम लैप्स तो फेल हो गया, पर कोई नहीं, आप अगले लैंडस्केप वाले वीडियोस देख लीजिए. जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप. वी आर एट द टॉप, वी जस्ट रिच चौरागढ़ मंदिर. अभी एकदम थोड़ा बचा है. So we are finally here on the location on Chauragarh. So there are two things to see. One is this set of Trishuls and second one is this mandir. So we'll go at both places one by one. तो ये है चौड़ेश्वर मंदिर. मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो आई कुडंट शूट देयर. लेकिन बाहर का कर सकता है. आजू बाजू का घूमते थोड़ी देर यहाँ पे स्पेंड करते हैं, देन विल हेड बैक. बिफोर दैट आई विल जस्ट गिव यू अराउंड फॉर दिस हाउ बिग. तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे त्रिशूल, वो भी बड़े बड़े, यहाँ लाए किसने, कैसे लाए? तो मैं बताता हूँ, ये सब त्रिशूल लोगों ने लाए हुए हैं खुद उठाकर. उसका रीज़न ये है कि लोग यहाँ आके मन्नत मांगते हैं भगवान शिव को, और अगर मन्नत पूरी हो जाए तो वो लोग खुद ये त्रिशूल यहाँ लाके भगवान शिव को अर्पित करते हैं. कहते हैं हर साल यहाँ पे लाखों त्रिशूल समर्पित होते हैं. The views are pretty amazing. If you see, either valley a proper see. यहाँ पे कुछ टाइम लैप्स लेते हैं. Let's see वो कैसे दिखता है. With this awesome view, we are about to end this video. और अभी तो हम नीचे जाना शुरू कर दिए. तो अब तक का वीडियो ये कैसा लगा आपको, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड डू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर कोई आना चाहता है. इफ़ यू आर हियर ऑन द चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा ये सीरीज़ के अंदर. थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.